अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी तारिक हकीम सांगी कराची से। आज मेरे पास है नेशनल पेनासोनिक R312 जो बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है और बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ है। लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा जी, ये सबको पता है, इसको मैं तारीफ़ इसकी क्या करूं, जो है सब मालूम है आप लोगों को। इसमें कोई इतनी ख़ास फंक्शन तो है नहीं, लेकिन रिसेप्शन आप सबको पता है कि कैसी है, ज़बरदस्त चीज़ है। फिर भी जो नए लोग हैं जिनको रेडियो के बारे में कुछ नहीं पता, उनके बारे में तो मैं ज़रूर, वो भी मेरे वीडियो देखते होंगे तो उनके लिए जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैं डाल देता हूँ। सबको पता है लेकिन फिर भी डाल देता हूँ कि नेशनल पेनासोनिक R312 इसका मॉडल नंबर है और फर्स्ट वर्जन है वाइट ट्रांजिस्टर वाला, स्टील ट्रांजिस्टर वाला। ब्लैक ट्रांजिस्टर वाला दूसरा वर्जन है, लेकिन ये वाला जो है वाइट ट्रांजिस्टर वाला है और मेड इन जापान है। 1970 में इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और तकरीबन 54 ईयर्स ओल्ड है, 54 साल पुराना रेडियो है और 3 बैंड का रेडियो है। मीडियम शॉर्टवेव 1 और शॉर्टवेव 2 है, FM इसमें नहीं होता। मीडियम की फ्रीक्वेंसी रेंज है 530 से 1600 किलो हर्ट्ज तक है और शॉर्टवेव की रेंज है जी फ्रीक्वेंसी की 2300 किलो हर्ट्ज से 7000 किलो हर्ट्ज तक है और शॉर्टवेव 2 की जो है फ्रीक्वेंसी रेंज 7000 किलो हर्ट्ज से 22000 किलो हर्ट्ज या 2200 मेगा हर्ट्ज, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। अच्छा जी, 3 बैंड 3D साइज के बैटरीज इसमें डलती हैं जो काफ़ी टाइम चलती हैं। जो एक तो ये जो है जापान ने ऐसी चीज़ बनाई है ट्रांजिस्टर वाला रेडियो कि इसकी जो बैटरी कंजम्पशन है तमाम बहुत ही मतलब कम है। मतलब इसमें अब अगर अच्छे वाले सेल ड्यूरा सेल हो या फिर अपना टोशीबा सेल हो, वो आप इसमें डालेंगे तो मेरे ख्याल में 6 महीने से ऊपर चला जाएगा। मतलब 6 महीने तक आपके वो जो है सेल चलेंगे इसमें, इतनी अच्छी इसकी जो है वो बैटरी की वो है। अच्छा, टेलीस्कोपिक एंटीना इसको तकरीबन 2 फीट होती है या किसी किसी में जो है वो 3 फीट भी होती है, तो मैक्सिमम जो है 2 फीट होती है इसमें। अच्छा जी, वॉल्यूम रॉकर है, ये है अपना ट्यूनिंग रॉकर, ट्यूनिंग नॉब जिसको बोलते हैं। इसमें ये साइड में जो है फाइन ट्यूनिंग दी गई है। ये बैंड सेलेक्टर है मीडियम शॉर्टवेव 1 शॉर्टवेव 2 और यहाँ से जी हमारा वॉल्यूम रॉकर, रॉकर बोले या वॉल्यूम बोले, यहाँ पे आपकी जो है वो मीटर है, इसकी स्केल है जो आप देख सकते हैं कि आपका वॉल्यूम कहाँ तक जा रहा है। अच्छा जी, इस साइड में हमें मिलते हैं 2 हेडफोन जैक के कि आप जो है 2 बंदे इसको सुन सकते हैं। पिछले टाइम में शायद ऐसा आता था। एक्सटर्नल एंटीना के लिए जो है वो एक फीमेल जैक दिया गया है। पीछे जी है टोन का बटन, इसका हमेशा पीछे दिया जाता है और ये पीछे है इसका। और इधर साइड में जो है वॉल्यूम है और ऊपर सिर्फ एंटीना है और इसका ये बेल्ट है अपना हैंगिंग के लिए या अपने बगल में लगाने के लिए। और पीछे नीचे से आपको दिखा दूँ कि नीचे से कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है जी, बहुत ही मतलब बेहतरीन साउंड के साथ है, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ है, ओरिजिनल चीज़ें, हर चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल लगी हुई है इसमें। कवर तक इसका जो है वो बेहतरीन कंडीशन में है और ओरिजिनल है। ये जापान का वो वाहिद का लेदर का कवर है जो सालों साल, मतलब अभी तक 54 साल हो गए, अभी तक ये बेहतरीन कंडीशन में अपना मौजूद है। चले मैं इसको थोड़ा सा आपको ट्यून करके दिखाता हूँ और इसकी आवाज़ सुनने। मीडियम वेव तो मेरे अभी लाइट है घर पे, तो बहुत ही मुश्किल है कुछ आए, लेकिन शॉर्ट वेव ज़रूर आएगा।
सर जी, ये था हमारा 312 नेशनल पेनासोनिक 312 मेड इन जापान 1970, 3 बैंड 3 बैटरीज के साथ। मिलते हैं फिर अगले किसी नए जो है रेडियो के साथ, और नए जो है अपना एक नई चीज़ के साथ इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी साथ मिलेंगे। और 312 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना सबको शेयर करें, सबको बताएं। रेडियो एक बेहतरीन चीज़ है, उसको ख़रीदें, उसको जो है वो सुने, ताकि हमारे जो है वो स्टेशन पाकिस्तान में बहुत ही बंद होते जा रहे हैं, इंडिया में ओपन होते जा रहे हैं, और हमारे पास जो है बंद होते जा रहे हैं। तो हमें मजबूरन जो है इंडियन चैनल जो है ज़्यादा सुनने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी स्टेशन है उनकी रिसेप्शन बहुत ही घटिया और बहुत ही कमज़ोर होती है, ताकि सुनाई नहीं देता, मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मजबूरन हमें इंडियन चैनल बहुत ज़्यादा सुनने पड़ते हैं मजबूरी में। रेडियो तो हमारा शौक है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी नए नए स्टेशन खुलेंगे मीडियम और शॉर्ट वेव के, तो बेहतरीन काम हो जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।